हेलो दोस्तों, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज के दिन इस गेम के अंदर फाइनली अपना फेवरेट इवेंट आ चुका है, जो कि भाई टाइम आइलैंड। इस बार टाइम आइलैंड के अंदर भाई ये लोग ने हम सबका फेवरेट पोकेमोन भी दे दिए हैं, जो कि एस रेंजर। तो अपन सारे इवेंट की बात करेंगे, बहुत सारे इवेंट आए लाइन से, सब इवेंट पर जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो, ये इवेंट नया नहीं है, पर यहाँ पे अभी चालू इवेंट है रियल टाइम आरिना, जिसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना दिया हूँ। आप चैनल पे चेक कर सकते हो कि ये इवेंट क्या है, इसके बारे में कैसे खेला जाता है, जो भी पूरी डिटेल इसके बारे में। अगला है अपना पोकेमोन डे, इसके अंदर भागना होता है, थोड़ा सर्वे सर्वर टेम्परन टाइप का है, पर यहाँ पे जितना ज़्यादा आपका वो रहेगा रैंकिंग के हिसाब से, उतना अच्छा आपको ये मार्शल डे या फिर जो भी पोकेमोन अलग अलग टाइम पे आते हैं वो मिलेगा। यहाँ से अपने को फ्री में की भी मिलती है, और की के जगह आप इसमें डायमंड भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा इवेंट है, टॉप में आओगे तो आपको मेगा ब्रेव 3 का पोकेमोन मिलेगा, जो भी यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। और यहाँ पे देख सकते हो हर मीटर्स पे नीचे रिवॉर्ड भी दिख रहा है, और आप भागने टाइम पे भी रिवॉर्ड कलेक्ट कर सकते हो, जैसे अपने नॉर्मल गेम्स के अंदर, रनिंग गेम्स के अंदर भागते भागते उन कॉइन्स कलेक्ट करते हैं। अगला है लक्की फ्लॉप। भाई लक्की फ्लॉप के अंदर इस बार एक अच्छा सा चेंजेस दिए लोग ने, एक चेंजेस पहले दिए थे फ्री कॉइन वाला, और आज का जो चेंजेस वो भाई चेंजेस मेरे हिसाब से सबसे अच्छा चेंजेस है। तो यहाँ पे जो चेंजेस लाए लोग ने, यहाँ पे भी पोकेमोन सिलेक्शन वाला कर चुके हैं। यहाँ पे लोग ने पहले टर्नेबल में अंदर सिलेक्शन वाला दिए थे सिटी के लिए, टीएम के लिए, अब यहाँ पे लोग फाइनली पोकेमोन का भी टीएम दे चुके हैं सिलेक्ट के लिए। तो यहाँ पे मैं म्यूटू और डेडपूल पिकाचू को चूज करूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास 40 कॉइन है, मैं एक स्पिन कर सकता हूँ, तो देखते मेरा लक कैसा जाने वाला है, क्योंकि आज तक मेरा 2-1 ही है। तो फर्स्ट ओपन करते देखते क्या निकला। ओके, म्यूटू 20 निकला है। सेकंड ये वाला ओपन करते ओ तो 50 निकला, तो बम फूट गया। यहाँ पे कोई मतलब नहीं, अपने को नहीं मिला अच्छा खासा कुछ भी, तो कोई नहीं, नेक्स्ट है। पर नेक्स्ट करने के लिए मेरे को स्पिन ज़्यादा चाहिए, 50 चाहिए, जो मेरे पास है नहीं। तो भाई वो तो अपने को जब स्टेमिना कलेक्ट होगा अपना, तभी होगा। तो यहाँ पे 3 टाइम है स्टेमिना कलेक्ट करने के, तो उस टाइम से आप स्टेमिना कलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो 3 टाइम जो जो टाइम, और ये टाइम इन गेम टाइम है, आपका आपका घर का टाइम नहीं, इन गेम टाइम है। तो जब ये टाइम पे आके ये स्टेमिना कलेक्ट कर सकते हो। फिर अगला है अपना बीस्ट रिटर्न इवेंट, बेस्ट इवेंट, और इस बार भाई बेस्ट पोकेमोन के। तो यहाँ पे डालगिया, ग्राउडन और जो लुगिया है वो सब नॉर्मल पोकेमोन है, और जो मेन पोकेमोन है भाई वो मेन पोकेमोन है इधर पे आगे सबसे फर्स्ट। तो सबसे पहले अपन देख लेंगे मिस्टी साइडक को। तो भाई यहाँ पे बोल सकते हैं कि इन चारों में से एक बेस्ट पोकेमोन मिस्टी साइडक भी, जो कि भाई बहुत मस्त है, वाटर टाइप पोकेमोन है, पर भाई बहुत खतरनाक पोकेमोन है मिस्टी साइडक। फिर उसके बाद आता है अपना फैन फेवरेट सबका एस ग्रीनिंजा पोकेमोन। तो यहाँ पे एस ग्रीनिंजा फाइनली आ चुका है इस गेम के अंदर, सेकंड टाइम आ रहा है, इसके पहले भी आ चुका था। और ये पोकेमोन एक डार्क टाइप का भी, वाटर टाइप और डार्क टाइप, तो बहुत अच्छा पोकेमोन है। फिर यहाँ पे जो अपना थर्ड पोकेमोन है क्रोनाइट कौवा वाला पोकेमोन है, दिखने में बहुत खतरनाक है, इसका लुक्स वुक्स बहुत अच्छा है, पर जो इसके अटैक्स है वो सिर्फ सिर्फ फ्लाइंग्स और स्टील टाइप के। तो मेरे को नहीं लगता है कोई इसको पर्सनली यूज़ करेगा, या फिर मेरे को भी पर्सनली इतना कुछ खास पोकेमोन लगा नहीं, लुक के हिसाब से मैं उसको पक्का ले लेता, पर इसका जो अटैक्स टाइप का है वो देख के भाई मेरे को लगा कि इसको नहीं लेना चाहिए। फिर यहाँ पे लास्ट पोकेमोन अपना प्रीमेरा जो नया नया इस गेम के अंदर आया है, वाटर प्लस फेरी टाइम का। तो भाई ये अच्छा पोकेमोन है, लास्ट अटैक से ग्रुप हील करता है, मिडल से सिंगल अटैक, और भाई मेन से ग्रुप अटैक, तो भी अच्छा पोकेमोन है। पर अगर इन दोनों में से, मतलब इन चारों पोकेमोन में से बेस्ट पोकेमोन की बात की जाए, तो बेस्ट पोकेमोन में एज ग्रीनिंजा और मिस्टी साइडक को देना चाहूँगा। तो तुम लोग इन दोनों में से कोई भी पोकेमोन ले सकते हो, बाकी आपकी मर्जी, आपको जो भी पसंद है। तो यहाँ पे एज ग्रीनिंजा है, और अपने को यहाँ पे एक फ्री में टिकट भी मिलती है। तो चलो अपना पोकेमोन पकड़ते हैं, मैं तो लेना चाहूँगा एज ग्रीनिंजा को। पर एज ग्रीनिंजा लेने से पहले यहाँ पे अपन एक चीज़ देख लेंगे जाके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चले जाता हूँ तुम लोग को एक चीज़ दिखाने अपने, उसके अंदर फिर यहाँ पे सिलेक्ट करके अपन ऐसे ज़्यादा सिलेक्ट करेंगे, और अपन थोड़ी नीचे आएंगे, यहाँ पे इटर्नस विटवाल सब पड़े मेरे पास, और थोड़ी नीचे आपको भी दिख जाएगा मेरा एज ग्रीनिंजा। तो एज ग्रीनिंजा जब फर्स्ट टाइम आया था इस गेम के अंदर, तो मैंने एज ग्रीनिंजा को कैप्चर कर लिया था, यूज़ नहीं करता हूँ, पर ऐसा एज ग्रीनिंजा है तो मैं वापस एज ग्रीनिंजा पकड़ने नहीं वाला हूँ। मेरे 500 रुपये मैंने वेस्ट नहीं करना है, मैं इंतजार करूँगा कोई और अच्छे बेटर पोकेमोन के लिए, या फिर होपफुली मैं मिस्ट्री साइडर को पकड़ लूँगा। तो फिलहाल अपन नॉर्मल टिकट से ओपन कर लेते हैं अपना नॉर्मल आइलैंड, और यहाँ पे अपने को मिला है मेगा गार्चम। तो फटाफट अपन मेगा गार्चम को कैप्चर कर लेते हैं, स्पीड बढ़ा लेता हूँ उसकी, देखता हूँ कोई अच्छा नीचे वैल्यू का नसीब होगा या नहीं। यहाँ से जल्दी अच्छे नीचे वैल्यू का पोकेमोन मिलते नहीं है, पर होपफुली ये वाला थोड़े अच्छे नेचर या थोड़े अच्छे वैल्यू का हो। तब तक तुम लोग कमेंट में बताओ तुम लोग एज ग्रीनिंजा पकड़ने वाले हो या नहीं, या फिर एज ग्रीनिंजा छोड़ के तुम लोग कोई और पोकेमोन लोगे, इन चारों में से कौन सा पोकेमोन लोगे मेरे को बता देना। मैं कम्युनिटी टैब में पोल भी डाल दूंगा इन चारों पोकेमोन का, तो आप लोग वहाँ पर पोल करके बता सकते हो कि तुम लोग कौन सा पोकेमोन लोगे, कौन सा पोकेमोन स्ट्रांग है, पोल के हिसाब से तुम लोग वोट करके वहाँ पे भी बता सकते हो। नहीं तो मेरे को कमेंट करके बताओ कि तुम्हारा कौन सा पोकेमोन लेने वाले और कितने नेचर का पोकेमोन मिला है तुमको, कमेंट में बता देना हो सब। तो फाइनली अपना इसका एक नेचर भी इंक्रीज हो चुका है, यहाँ पे बताया कि इसका एक नेचर +1 हो चुका है, तो वो भी अच्छी बात है, चलो सही है, नेचर इंक्रीज 1 हो चुका है। तो अब देखते हैं कि पकड़ने में कितना हार्ड होगा, और जो नेचर इंक्रीज हुआ है वो कितना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो फाइनली बॉल घुमा, स्टार चमक गया, कैप्चर कर चुके हैं, आ चुका है अपना ये
तो नेचर 1 से 2 हो गया भाई, ज़्यादा कुछ इंक्रीज नहीं हुआ अपना। और टोटल पोकेमॉन देखा जाए तो 11, ये 87 पोकेबॉल लगे मेरे को टोटल इसको कैप्चर करने के लिए। नेचर वैल्यू इतना कुछ खास नहीं था, 87 पोकेबॉल लग गए मेरे को, जो कि 3 टाइप्स के अलग अलग बॉल थे और भाई इतना भी कोई खास पोकेमॉन नहीं था। तो अपन आइलैंड से निकलते हैं, आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इस वीडियो लेते हैं दोस्तों, वीडियो 14 लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।